गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। आज हम मिलकर जन्माष्टमी मनाएंगे। इसके लिए अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी और लंबी सांस लें। अब एक और लंबी और गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपने मन की ओर ले जाएं। ध्यान से देखें अपने मन को। इस मन में कई विचार हैं, कई इम्प्रेशंस हैं। कई डाउट्स हैं, कई पेनफुल इवेंट्स हैं, कई परसेप्शंस हैं। आपका मन कई लिमिटेशंस से भी भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, पेनफुल लाइफ इवेंट्स के इम्प्रेशंस और कर्मों के इम्प्रेशंस भरे हुए हैं। देखें अपने मन की इस फुलनेस को। अब देखें कि अपने अंदर आप जहां भी इस मन को देखते हैं, अब वो मन एक छोटी सी मटकी बन गया है। एक ऐसी मटकी जिसमें ये सब कुछ है, आपके मेंटल कंडीशंस, आपके इम्प्रेशंस, लिमिटेशंस, परसेप्शंस, कर्म के इम्प्रेशंस, सब कुछ। देखें कि ये जो सब आपके मन में भरा हुआ है, ये अब एक वाइट मक्खन बन चुका है। आप इन सब को इतना मथ चुके हैं कि इन सभी का एक सफेद मक्खन बन गया है। अपने मन की मटकी में अपने इम्प्रेशंस और मेंटल कंडीशंस को भरा हुआ देखें। अब फील करें कि छोटे नटखट लट्टू गोपाल आपकी तरफ आ रहे हैं। अब फील करें कि इस वाइट मक्खन को खाने के लिए कृष्ण को स्वयं ही आना पड़ रहा है। फील करें कृष्ण को धीरे धीरे आपकी तरफ आता हुआ। देखें कि कृष्ण एक पत्थर उठाते हैं और आपके इस मन की मटकी को जोर से मारकर तोड़ देते हैं। अपने मन को टूटता हुआ देखें।
देखें कि जो आपने वर्षों से या जन्मों से इम्प्रेशन संभाल के रखे हुए थे, आज कृष्ण ने उन्हें तोड़ दिया है। आज आपकी मन की मटकी पूरी तरीके से टूट चुकी है और सारे मेंटल कंडीशंस, इम्प्रेशंस, नेगेटिव इमोशंस, कर्म के इम्प्रेशंस, परसेप्शंस सभी बिखर रहे हैं। आज कृष्ण स्वयं आपके मन के मक्खन को खाने आए हैं। कृष्ण को अपने मन की मटकी से इन मेंटल कंडीशंस के मक्खन को खाता हुआ देखें। फील करें कि कितने खुश होकर आज कृष्ण स्वयं आपके मन का भोग लगा रहे हैं। जिस मजे से कृष्ण आपके मन का भोग लगा रहे हैं, देखें कि उतनी ही मस्ती आपको भी फील हो रही है। अपने मन को अब खाली होता हुआ देखें। देखें कि आज कृष्ण ने आपको मुक्त कर दिया है। अब आपके पास कोई परसेप्शन नहीं है, कोई इम्प्रेशन नहीं है, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, कोई कर्म के इम्प्रेशन नहीं है। आपकी जिंदगी से सारी बुरी यादें अब मिट चुकी हैं। आज कृष्ण ने आपको निहाल कर दिया है। और जितना आप खुश हो रहे हैं, आपको खाली देखकर आज कृष्ण आपसे कई ज्यादा खुश हो रहे हैं। अपने मन से इस मुक्ति का आनंद लें। फील करें कि आप एकदम अंदर से खाली हो चुके हैं। इस खालीपन को एंजॉय करें। आज से आज जीवन आप खाली ही रहेंगे, क्योंकि कृष्ण ने आपके मन का भोग लगा लिया है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और इस पूरी दुनिया का असली आनंद ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण।